एक बहू को अपने ससुराल की अहमियत तब समझ में आई जब नमस्कार, आज की कहानी है गांव की ओर। अपूर्वा को जब पता चला कि उसे देखने किसी गांव से लड़का आ रहा है, वह तभी परेशान हो उठी थी। ठेठ दिल्ली जैसे महानगर के रंग में रंगने वाली अपूर्वा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे किसी गांव से रिश्ता आएगा। उसने कभी दिल्ली से बाहर किसी गांव कस्बे में रहने की कल्पना भी नहीं की थी। यह रिश्ता उसे किसी सजा से कम नहीं लग रहा था। एक तो करेला, वह भी नीम चढ़ा। यह रिश्ता उसके मामा जी लेकर आ रहे थे। सीधे साधे मना भी नहीं कर सकते थे। अपूर्वा के मन में क्या चल रहा है, इस बात को कुमुद ही समझ सर रही थी। तू क्यों दुखी है बेटी? तेरे मामा जी अगर ये रिश्ता बताया है तो कुछ सोच समझ कर ही बताया होगा। वह लोग गांव में जरूर रहते हैं, मगर पढ़ा लिखा एजुकेटेड परिवार है। लड़के का अंग्रेजी माध्यम का स्कूल है, उसकी माँ भी स्कूल से जुड़ी है। मगर सवाल ये है माँ, ये रिश्ता हो गया तो मैं गांव में कैसे रह पाऊंगी? अपूर्वा की आंखें भर आई थी। यह कोई पहला लड़का तो है नहीं जो तुझे देखने आ रहा है, देखते ही शादी कर देंगे। ऐसी बात भी नहीं है, तू सहमत होगी तभी तेरा रिश्ता पक्का होगा। कुमुद ने उसे समझाया। आखिर वह दिन भी आ गया जब मानविक अपनी माँ कल्पना के साथ अपूर्वा को देखने उसके घर आया। मानविक को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वह गांव का रहने वाला लड़का हो। ऊंची कद काठी, गेहुआ रंग, गठा हुआ शरीर, स्किन टाइट जींस, लाइट कलर का शर्ट और व्यवहार कुशल लग रहा था। मानविक की माँ कल्पना सफेद साड़ी पहनी एकदम साधारण महिला सी लग रही थी। चाय नाश्ते का दौर चला। अपूर्वा और मानविक ने एक दूसरे से बातचीत की। बड़े ही सौहार्दपूर्ण माहौल में बातें चल रही थी। जब दोनों ही पक्षों ने रिश्ते की कोई बात नहीं की तो कल्पना की ओर से देखकर अपूर्वा के मामा जी बोले, कैसी लगी बहन जी आपको हमारी अपूर्वा? यह बात तो हमें अपूर्वा से पूछनी चाहिए कि उसे हमारा मानविक को लेकर क्या सोचा है। हम अपने निर्णय से आपको जल्दी ही अवगत करा देंगे, कुमुद ने कहा। आप अगर मानविक और अपूर्वा के रिश्ते को लेकर कोई निर्णय लेते हैं तो मैं चाहूंगी कि आप लोग अपूर्वा को लेकर हमारे गांव आए, हमारा घर देखें, हमारा गांव देखें। शादी से पहले लड़की ससुराल आई तो गांव के लोग क्या कहेंगे? अपूर्वा के पापा ने कहा, शादी के बाद तो आना है, अगर पहले अपना घर बार देख ले तो इसमें बुराई क्या है? अपूर्वा मन ही मन खुश हो रही थी। यह पहले लोग थे जो लेन देन की बजाय अपूर्वा के मन में क्या चल रहा है इस बात को समझ रहे थे। आपकी पहल अच्छी है, रिश्ता जुड़े तो भाग्य की बात है। आपका घर, गांव, परिवारजनों को करीब से देखने का अवसर मिलेगा, कुमुद ने कहा। मानविक का परिवार अपूर्वा के मन में अपना स्थान बनाने लगा था। चंद दिनों बाद अपूर्वा का परिवार मानविक के गांव राजनगर पहुंचा। महानगर की भांति भीड़ और ट्रैफिक नहीं, खुली बसावट, पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा, पास बहती नदी प्राकृतिक एवं ग्राम के परिवेश में रंग में पूरी तरह रंगा किसी हिल स्टेशन से कम नहीं था। ये गांव बहुत ही अच्छा लग रहा था। महानगरों में ऐसे दृश्य दुर्लभ होते जा रहे हैं। मानविक का विद्यालय देखकर तो अपूर्वा आश्चर्यचकित रह गई थी। विद्यालय की भूमि पर बहुमंजिल इमारत, आगे बड़ा ग्राउंड, पीछे गार्डन, बच्चों के खेलने की समुचित व्यवस्था, बाउंड्री से घिरा विद्यालय, विशालकाय एंट्री गेट जिस पर गार्ड तैनात, 10 के लगभग स्कूल में बसें, बच्चे भी बड़ी संख्या में, और साथ में साथ प्रशिक्षित स्टाफ, सब व्यवस्थित था। इतनी जगह में
तो महानगर में महाविद्यालय संचालित किया जा सकता है। वहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर मानविक का फार्म हाउस था, उसी में उसका निवास स्थान था। जब वहां पहुंचे तो अपूर्वा के परिवार के लिए ये दूसरे आश्चर्य था कि इतना अच्छा और इतना बड़ा फार्म हाउस पर बना व्यवस्थित बंगले नुमा भवन, जिसके आसपास फैला ऑर्गेनिक सब्जी फल फूल के बाग, भवन के पीछे लहलाती गेहूं की बालियां, जर्सी गाय का बाड़ा, ऐसी गाय अपूर्वा ने फिल्मों में ही देखी थी। माटी की गंध, महकती ब्यार, प्रकृति का निखार एक अलग दुनिया का आभास दे रहा था। एक बहुत ही अच्छा गांव लग रहा था, जिसने हमें दूर दूर तक बहुत दूर होते जा रहे हैं। वापसी पर अपूर्वा, उसके मम्मी पापा सब खुश नजर आ रहे थे। मानविक का घर परिवार उन पर एक अमिट छाप छोड़ गया था। जब उन्होंने दिल्ली के लिए रवानगी ली, मानविक का गांव भले ही पीछे छूटता जा रहा था, मगर उस गांव में गुजारे हुए क्षण उनको कोई नहीं भूल पा रहा था। कुमुद ने अपूर्वा की ओर देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, अपूर्वा तुम्हारा फैसला क्या है? अपूर्वा के चेहरे पर मुस्कान फैली जा रही थी। वह शर्म से सिर झुका लेती, क्योंकि उसे गांव बहुत ही पसंद आ रहा था, क्योंकि अपूर्वा ने पहले गांव के बारे में कुछ अलग छवि नज़र थी, लेकिन अब अपूर्वा का नज़रिया गांव के प्रति बदल चुका था। तो दोस्तों, ये थी गांव की ओर दौड़ती हुई हमारी सोच कहानी। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी कहानी। अच्छी लगे लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। पूरी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।